अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन द ब्यूटीफुल गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अवैस अली यूट्यूब चैनल में आप सबका बिग वेलकम है। और कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियोस बनाने वाली बेसिकली शाइस्ता आमर मैडम है, ठीक है। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, यूएई की रेजिडेंस भी थी, अब मेरे ख्याल से किसी यूरोप कंट्री में होती हैं। यूएई की पेट्रोल के हवाले से एक वीडियो शेयर करूँगा। और बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह माशाल्लाह कि रमज़ान शरीफ की आमद आमद है, रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, उसके हवाले से एक वीडियो शेयर करूँगा उन्हीं की ही। और यूएई की ट्रैवल के बारे में मैं शेयर करूँगा कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको पीसीआर की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, तो आए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूएई में मार्च के मंथ के लिए पेट्रोल की प्राइसेस अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि फरवरी के मुकाबले में ज़्यादा है। डिटेल्स आप लोग चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोनोलॉजिस्ट के मुताबिक 2 अप्रैल रमजानुल मुबारक का पहला दिन होगा। अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग जो यूएई से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और अगर आप लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं ली हुई तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, जितने भी यूएई के रेजिडेंट अब यूएई के लिए ट्रैवल करेंगे उन्हें आईसीए या जीडीआरएफए के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। जी गाइस, जैसा कि आपने ये सारी वीडियोस देखी, उम्मीद है आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। और दूसरे नंबर पे यूएई के अंदर माशाल्लाह मास्क के हवाले से भी काफ़ी अच्छी इकदाम किए गए हैं कोरोना के हवाले से, तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं उनकी मैडम जो शाइस्ता है उनकी फ़ोटो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका देखने का। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह पाक हम सबका हामी ना सर। अल्लाह हाफिज़।